हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ BIS की वैकेंसी, जो कि बहुत सारी वैकेंसी आया है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। ये जो आपको दिख रहा होगा सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसकी बात करूँगा। साथ ही साथ जो सीनियर टेक्नीशियन है उन दोनों की बात करूँगा, ठीक है। पहले इससे पहले आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। इसमें क्या बोला है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई सा भी बैचलर्स डिग्री चाहिए। साथ ही साथ क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंसिस्ट ऑफ, जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट जो है 2000 की एक्सप्रेशंस 15 मिनट्स में होना चाहिए। साथ ही साथ जो सेकंड क्राइटेरिया है, टेस्ट इन स्प्रेडशीट्स, ठीक है, ऑन एक्सेल 15 मिनट्स एंड टेस्ट इन पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 15 मिनट्स। तो जैसा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसके क्वालिफिकेशन या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसी से समझ में आ रहा होगा कि आपका वर्क प्रोफाइल कैसा रहने वाला है। बेसिकली इसमें आपको जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, ठीक है, वो चाहे फाइल का मेंटेनिंग करना हो, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ फाइल, ठीक है, ड्राफ्टिंग करना हो, जो ईमेल वगैरह ड्राफ्ट करते हैं, तो ये सब सारे काम आपके SSC के अंडर में आता है। और ये आपका BIS के अंडर में लेवल 4 का जॉब रहेगा, ठीक है, लेवल 4 यानी 2400 ग्रेड पे। इसी तरीके की से अगर मैं बात करूँ सीनियर टेक्नीशियन का, ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन का जो एलिजिबिलिटी है मैंने पहले भी बताया था, इसमें जस्ट ITI तो होना चाहिए, उसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो अप्रेंटिसशिप भी चलेगा, ठीक है। तो ये जितने भी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो ISRO देता है लेवल 3, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दे रहा है, मतलब कि BIS लेवल 4 देता है सीनियर जो टेक्नीशियन है उनको। बस आप पे क्या होना चाहिए, 2 साल का या तो अप्रेंटिसशिप हो या तो एक्सपीरियंस हो। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और मैं आगे बात करता हूँ इसके कि आपको कितना पे और क्या क्या चीज़ें मिलेगा। बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलता है इन्हें, दोनों का ही बात करूँगा, क्योंकि सीनियर टेक्नीशियन चाहे आपका ये सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हो, दोनों का जो पे लेवल है वो सेम रहने वाला है लेवल 4, तो सैलरी भी सेम ही कंसिडर होगा, ठीक है। बस आपका वर्क प्रोफाइल अलग अलग है। ये जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, जहाँ पे आपका एडमिन सेक्शन होगा, वो हर एक लैब में भी होता है, और साथ साथ जो इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी पोस्टिंग मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर मैं सीनियर टेक्नीशियन का बात करूँ, तो जितना भी आपका इसका इनका पोस्टिंग लैब में ही होने वाला है, बट किसी किसी का सीनियर टेक्नीशियन का भी आफ्टर प्रमोशन हेडक्वार्टर वगैरह में पोस्टिंग मिल जाता है, और ऑफिशियल वर्क भी इनको मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपका ब्रांच ओरिएंटेड हो वहीं पे आपको वैसा ही काम करवाया जाए। मेरे हमारे साथ के जितने भी टेक्नीशियन भी जो लगे थे, जो हमारे जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट में थे, ऐसे हम तो टेक्निकल असिस्टेंट लगे थे, वो सीनियर टेक्नीशियन थे, तो किन्हीं किन्हीं बंदों को ऑफिशियल वर्क में भी इंगेज किया था, तो वो सब भी वो फाइल मेंटेनेंस करना ये सब देखते थे। बट जो वर्कलोड रहने वाला है वो एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा हेक्टिक वाला बात नहीं है। 9 to 5 जॉब रहेगा या 9 to 5:30, ठीक है, और आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है दोनों कंडीशन में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर मैं ये सब आपको पता ही चल गया होगा ऑनलाइन स्कीम किस तरीके का एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कौन सा मटेरियल ऑथेंटिक रहेगा, कौन सा टेस्ट सीरीज बढ़िया रहेगा, जस्ट आप कमेंट करिए, सब मैं इसका जानकारी दे दूँगा। चलते हैं आगे, बात करता हूँ मैं पे ग्रेड की। ये तो मैंने TA लैब असिस्टेंट के बारे में बताया था, जो लेवल 6 पे जितना भी पोस्टिंग होगा उनको कितना मिलेगा। मैं बात करता हूँ लेवल 4 यानी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और सीनियर टेक्नीशियन का, ठीक है। इसकी बात मैं करूँ, जैसा कि इस बंदे को एक पे ग्रेड मिल चुका है, मतलब एक इंक्रीमेंट लग गया है इनका, वैसे आपका 25,400 रहता है, ठीक है, आफ्टर एक इंक्रीमेंट ये 26,300 है। तो इनको देखो आप क्या क्या मिलता है, DA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, फिर HRA, देन आपका जो ये अरियर वगैरह मिला है इन्हें कुछ, तो आपका जो टोटल पेमेंट होता है वो 54 के लगभग हो रहा है इनका, ठीक है, 54,000, और आफ्टर डिडक्शन
इन हैंड जो मैं बात करूँ वो 50,000 के लगभग है, जो कि लेवल 4 के ग्रेड में काफ़ी अच्छा अमाउंट है। ठीक है, 50K इज नॉट अ बैड, ठीक है, बहुत ही हैंडसम अमाउंट है, 50K बहुत ही अच्छा है। और आपको साथ साथ दो छुट्टियाँ भी मिलती है, सैटरडे संडे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इसमें भी कैसे भी प्रिपरेशन करके, तैयारी करके सिलेक्शन लेना है। और भी कुछ कुछ चीज़ें मैं बता दूं, जैसे अगर मैं बात करूं सीनियर जो टेक्नीशियन है उनको कुछ कुछ चीज़ें भी मिलता है। जैसे मैं बात करूं अभी इसमें ड्रेस अलाउंसेस, तो इनका ड्रेस अलाउंसेस भी आता है। ये देखो, ये साल में आपको एक बार मिलता है जुलाई में, इनको देखो 6,250 कुछ मिला है। ठीक है, और ये जो ऑनरेरियम है ये अलग से कुछ अमाउंट आपका मिलता है BIS में। ठीक है, ओनली BIS में है, क्योंकि BIS मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में तो है, बट दिस इज़ ऑल्सो एन ऑटोनोमस बॉडी। तो उसमें थोड़ा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था सैलरी स्लिप में, कि थोड़ा सा इसमें वेरिएबल अमाउंट भी मिल जाता है, कि जैसे आपका जो लैब का है, ठीक है, लैब वाइज भी होता है कि आपके लैब में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, जो सैम्पल्स ऑफ टेस्टिंग है बहुत ज़्यादा हुए, तो वो कुछ अमाउंट ज़्यादा भी बढ़ा के दे देते हैं। अगर वो आपके DG के ऊपर डिपेंड करता है, इफ़ ही विल हैप्पी देन, देखो आप इसे देख सकते हैं, सभी को 2,000 एक्स्ट्रा आए थे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, और साथ ही जितना भी जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अमाउंट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग ये रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा। अभी भी अगर मैं 25,400 के हिसाब से भी बात करूँ, तो मोर और लेस आपका इन हैंड जो अमाउंट आने वाला है वो आपका 50K आ ही जाएगा, 4950K। ठीक है, तो आप अपने तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। आपने कहा था कि सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल और इसका जो पे स्लिप है वो दिखाना, तो आपका ये रहा पे स्लिप। ठीक है, और यही अमाउंट मिलने वाला है, देख सकते हैं, तो ये आपके मोटिवेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जितना जो भी बंदा प्रिपरेशन कर रहा है तो अपने प्रिपरेशन को स्केल करें। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन यू विल गेट वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, साथ ही साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी कहूँ तो ठीक है, क्योंकि 9 to 5 जॉब है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो, चाहे वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड, चाहे BIS के किसी भी चीज़ से, तो वो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मैं उसका इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में।